रियलमी 13 प्रो प्लस स्मार्टफोन का करने वाले हैं बैंड टेस्ट और चेक करने वाले हैं कि स्मार्टफोन बैंड होता है या नहीं। साइड में मिलता है आपको प्लास्टिक फ्रेम और फ्रंट में मिलता है आपको कॉर्निंग गोला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन। तो चेक करते हैं कि प्रोटेक्शन कितनी काम में आती है। स्मार्टफोन ड्रॉप टेस्ट में ऑलमोस्ट फेल हो चुका है और ये स्मार्टफोन का सबसे लास्ट ड्रॉप टेस्ट होगा अभी का बैंड टेस्ट, और इसमें पता लगेगा कि स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में किंग है या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन का बैंड टेस्ट। तो देख लो प्रॉपर स्मार्टफोन वर्क कंडीशन में है, देख लो अभी, और कैमरा भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैमरा भी अभी वर्किंग कंडीशन में, कितने भी आप पिक्चर क्लिक कर लो, ठीक है, ओके। तो अभी स्मार्टफोन का होने वाला है बैंड टेस्ट, और ये देख लो प्रॉपर यहाँ से हमने स्मार्टफोन को पकड़ लिया है। 1 2 3 स्टार्ट। तो ये है Realme 13 Pro Plus। एक चीज़ अच्छी लगी मुझे इसमें, वो ये लगी कि अभी तो कैमरा बंद हो गया, इसका डिस्प्ले अभी आधी इसकी वर्किंग में है, मतलब ये डिस्प्ले आप काम में ले सकते हो, अभी ये भी बंद हो चुकी है। तो ये है भाई साहब Realme 13 Pro Plus फ्लिप स्मार्टफोन बोल सकते हैं क्योंकि ये फ्लिप हो चुका है। और अभी तो सॉरी इसका बटन काम करना भी, कैमरा भी चालू है, कैमरा बंद हो चुका है, अभी सब कुछ बंद हो चुका है। तो ये देख लो आप Realme 13 Pro Plus फ्लिप स्मार्टफोन, जो कि आपको मिलेगा सिर्फ टेकी बार यूट्यूब चैनल पे, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियो आपका भाई ला सकता है। तो ये था Realme 13 Pro Plus का बैंड टेस्ट वीडियो, और बैंड टेस्ट में स्मार्टफोन है वो अच्छे तरीके से पास हो चुका है, देख लो आप, मतलब इस तरह पास हो चुका है, पूरा फ्लिप स्मार्टफोन बन चुका है, और आप इसको आराम से एक फ्लिप वाली फील ले सकते हैं स्मार्टफोन में, क्योंकि ये एक फ्लिप स्मार्टफोन है। तो ड्यूरेबिलिटी आपने देख ही ली, ड्रॉप टेस्ट में भी देख ली आपने, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया उसमें भी देख ली, और बैंड टेस्ट में तो आपने चेक ही कर ली कि क्या होता है। ये हुआ इसलिए क्योंकि इसमें मिलता है आपको प्लास्टिक फ्रेम, और प्लास्टिक फ्रेम है उसी के कारण ये स्मार्टफोन है पूरा डैमेज हुआ है और बैंड हो गया है। तो अब क्या ही कहना इसके आगे, ड्यूरेबिलिटी की तो माँ बहन हो चुकी है, आप देख लो पूरा फ्लिप हो चुका है, बट कुछ लाइटें हैं अभी भी स्मार्टफोन में जल रही हैं। तो ये था स्मार्टफोन का बैंड टेस्ट वीडियो। वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में, ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियो के लिए फटाफट से आपके भाई का यूट्यूब चैनल टेकी बार को सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद, जय भारत।